और वो हमारा मक्का दिख रहे हो। मेरे मन में भी ऐसा सोच आ गया कि मैं एक व्लॉग बना दूँ, तो मैं व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। देखो ये डांगर है, उसे डांगर भी बोलते हैं और हाड़ भी बोलते हैं गुजराती में। ये डांगर है, ये हमारा गांव है, बहुत अच्छा आप देखते होगे। और ये मकई, ये डोडा आता है ना, मकई का डोडा, वही डोडा इसमें आता है। ये आया तो नहीं है लेकिन दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। ये आता है अभी, ये थोड़ा थोड़ा आया है, ज़्यादा नहीं आया अभी तो। मैं आ जाएगा तो पूरा बता दूंगा। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत जल्दी ही नदी बताने के लिए ले जा रहा हूँ। अपन थोड़ी देर में नदी बताएंगे, आप देखेंगे नदी। ये पेड़ आया है, वो खजूरी का पेड़ है, देखो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मक्का, ये फटाफट बताता हूँ फटाफट। व्लॉग के चैनल बहुत अच्छा रहता है इसलिए मैंने व्लॉग बना दिया। बहुत लोग व्लॉग देखने के लिए तरसते हैं इसलिए व्लॉग बनाया। ये हमारा गांव का कुआं, हमारे गांव में ऐसे ऊपर पानी आ रहा है, ये कुआं है, ये कुआं है, लगभग 1 फीट नीचे पानी है और बारिश आता है तब तो फुल भर के निकल जाता है। ये रही खजूरी, खजूरी का पेड़ है पर खजूर अभी नहीं लगी। देखो ये है नदी, हम दूर से ही बताएंगे आपको। ये नदी है, पानी जा रहा है और नदी के बाजू में ये मकई कोर के रखी है। ये है मकई, इधर तो पूरी हो गई है क्योंकि पानी बहुत पड़ा इस साल, तो पानी में मकई भीग गई, अंदर घुस गई, बड़ी नहीं हुई। अभी भी पानी शुरू था लेकिन अब थोड़ा रहा है, तो हम आए व्लॉग बनाने के लिए। ये देखो हमारे गांव में खजूर का पेड़ बहुत है, देखो। खजूर खाना हो तो हमारे गांव में आ जाइए। वीडियो गमी हो तो वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो अने हमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, એટલે કે તમને સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન મળે। ચલો બાય બાય, ટાટા।